जब भी हम लोग बग हंटिंग करते हैं तो सबसे पहला काम आता है यूनिक प्रोग्राम्स फाइंड करना। ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर भीड़ कम हो। तो काफ़ी सारी टेक्निक हैं, जैसे कि गूगल डॉकिंग आप कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह लगा के या फिर स्पेशल कीवर्ड ऐड करके, और बीबी रडार, ये भी आपको पता होगा। लेकिन आज हम लोग जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं वो है गिटहब। गिटहब की मदद से हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेपो बनाती है, क्योंकि अधिकतर तो हमें पता है यहाँ पे ओपन सोर्स ही चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक फाइल होती है security.md। उस फाइल में कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट और स्कोप वगैरह लिख देती है। जैसे कि मैं फाइंड करता हूँ अभी security.md फाइल को, security.md, और ये मैंने लगा दी स्टार, कोड पे चले गए और इसको एक बार एक स्लैश और लगा देते। सही है, तो हमारे पास देखो कितने सारे रिजल्ट हैं। अभी हम इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, फिल्टर, जैसे कि रिवॉर्ड लिख देता हूँ। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कुछ कुछ कंपनियां एक चालाकी करती हैं कि वो चुपचाप से गिटहब पर अपना प्रोग्राम लॉन्च कर देती हैं, और वो प्रोग्राम ना ही उनकी वेबसाइट पर होता है ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ये सब में लागू नहीं होता। हो सकता है ये जो हमें प्रोग्राम मिला ये पब्लिक भी हो, किसी प्लेटफॉर्म पर भी हो, लेकिन मैं कुछ कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसी फाइंड करी है कुछ कुछ कंपनियाँ। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, फिर इनकी वेबसाइट पर जाके देख लिया, तो यहाँ पर इनकी कमिट हिस्ट्री भी होती है, तो उससे आपको एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी कि ये फाइल कब डाली गई है, क्या क्या चेंजेस करे गए। ये एक तरीका है फाइंड करने का। इसको आप और फाइन ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड की जगह आप लिख दें स्वैग या फिर बग बाउंटी, इस तरीके की चीज़ है। तो मान लेते हैं इस तरीके से आपको प्रोग्राम तो फाइंड हो ही जाएगा। अब पढ़ते हैं रिकॉन की तरफ। अब देखो, जो हमारा टारगेट है, जिस पर मैं आपको लाइव दिखाने, लाइव टारगेट होगा जिस पर मैं आपको दिखाऊंगा बग हंटिंग का प्रोसेस, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। क्योंकि रिकॉन में देखो, वो जो बना है ना, वो नया टारगेट है, बिल्कुल एक ही डोमेन है, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें होंगी नहीं, मिलेगी नहीं हमें, तो क्या फ़ायदा। और उस पर मेरे पास पूरी परमिशन है कि मैं लाइव हंटिंग दिखा सकूं, क्योंकि वो मेरे ही किसी नोन ने बनाया, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने उससे पूछ ही लिया। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जैसे हमें टारगेट मिल गया, मान लो आपका टारगेट कुछ भी हो, तो आपको लिंक्डइन पे जाके चेक करना है उसके बारे में, यूट्यूब पे जाके चेक करना है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। मतलब एक जैसे नॉर्मल यूज़र ट्राई करता है चीज़ें वेबसाइट पर जाके, वो सब चीज़ें देखनी है बिना टूल यूज़ करें। कम से कम आपको उसका उद्देश्य समझ में आ जाए, उस कंपनी का क्या उद्देश्य है। बात आती है सब डोमेन एनुमरेशन की। सब डोमेन एनुमरेशन की देखो मैं टूल बता दूंगा, वो सबको पता है। सही है, जैसे सब फाइंडर हो गया पैसिव एनुमरेशन के लिए, केमास हो गया एक्टिव के लिए। अब एक हम एक अलग चीज़ देखेंगे जिसका नाम है जोन ट्रांसफर। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा जोन ट्रांसफर क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डीएनएस क्या होता है। सही है, डीएनएस तो पता ही होगा कम से कम, कि मान लो डोमेन को आईपी में ट्रांसलेट करने का काम डीएनएस करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है जोन फाइल, डीएनएस जोन फाइल। ये एक ऐसी फाइल है जो कि पर्टिकुलर डोमेन के रिकॉर्ड्स रखती है। मान लो एक डोमेन है tesla.com, तो टेस्ला के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो इस डीएनएस जोन फाइल में होंगे। कैसे रिकॉर्ड? जैसे कि उसके सब डोमेन, मेल सर्वर्स, txt रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह। ये हो गई डीएनएस जोन फाइल। अब बात आती है जोन ट्रांसफर की। जोन ट्रांसफर एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर किसी नेम सर्वर से एक पर्टिकुलर डोमेन की जोन फाइल मांगी जाती है, एक कॉपी मांगी जाती है।
अगर उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए वो मिसकॉन्फिगर्ड होगा तो वो इसकी जोन फाइल दे देगा। जोन फाइल में क्या होगा, इंटरनल डेटा होगा, ऐसे सब डोमेन होंगे जो कि ना आपको एक्टिव एनुमरेशन से मिलेंगे ना ही पैसिव से, ठीक है। तो वो आप एक तरीके से इंटरनल डोमेन फाइंड कर सकते हो। तो इसका फायदा ये है कि जो आपको डोमेन किसी भी टूल से नहीं मिलेंगे वो जोन ट्रांसफर की मदद से मिल जाएंगे, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जहाँ पे ये मिसकॉन्फिगर्ड होता है और जोन ट्रांसफर अवेलेबल होता है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जोन ट्रांसफर को करने के लिए, जैसे सीखने के लिए, हमारे पास सबसे बढ़िया एक साइट है, जोन ट्रांसफर डॉट मी ईरा। इसके बारे में आप जा करके पढ़ सकते हो। ये ऐसा डोमेन है जिसपे जोन ट्रांसफर अवेलेबल है। चलिए करके देखते हैं, उससे और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं नेम सर्वर, जैसे मैंने लिखा DIGNS, और ये डोमेन। इस डोमेन के लिए कौन कौन से नेम सर्वर रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसलेशन के लिए, मतलब डोमेन से आईपी करने के। तो मुझे यहाँ पर नेम सर्वर सब दिखा देगा। यहाँ पे देखो हमें दो नेम सर्वर दिख गए, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो आंसर वाले सेक्शन में ये दो मिल गए। अब मैंने मान लो इसको उठा लिया, अब हम कैसे करेंगे जोन ट्रांसफर, DNS फाइल की कॉपी कैसे मांगेंगे। तो उसके लिए भी DIG टूल है और कमांड लगती है AXFR, एट द रेट में उस नेम सर्वर का नाम, और किसके लिए हम क्वेरी करना चाह रहे हैं, इस डोमेन के लिए क्वेरी करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे सब डोमेन मिल गए हैं जो कि इंटरनल है, वो शायद आपको ना ही एक्टिव से मिले ना ही पैसिव से, जैसे कि ये वाला देखो, सही है, और ये वाले देखो सब। तो अगर किसी पे जोन ट्रांसफर अवेलेबल है, इनेबल्ड है, तो आप इसका जरूर उपयोग लेना, बाकी सब टूल से ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा बग मिलेंगे आपको, क्योंकि इंटरनल सब डोमेन्स मिलना है। ये तो हो गई सब डोमेन एनुमरेशन की बात। अब हम चलते हैं गूगल डॉट इन पे। जैसे कि मैंने बताया, जिस टारगेट पर हम लोग करने वाले हैं उस पर मैं रिकॉन नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल नया बना है, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग चुनते हैं किसी बड़ी कंपनी को, जैसे कि टेस्ला को, tesla.com। यहाँ पे अगर वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब सबसे पहले गूगल डॉकिंग में चीज़ें होती हैं, हमें इंटरनल फाइल्स एनुमरेट करनी होती हैं। जैसे मैं अगर PDF डाल दूँ तो इससे PDF वाली बहुत सारी फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है। पर हम कुछ और स्पेसिफिक वर्ड्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो फाइल जो कि जिनमें लिखा हो इंटरनल ओनली, या फिर फॉर एम्प्लॉयज ओनली, प्राइवेट, इस तरीके से, सही है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट यूज़, इस तरीके से आपको मतलब चीज़ें फाइंड करनी है और इनको ओपन भी कर साथ साथ करते देखते जाना, जैसे ईमेल्स। जैसे ये रिपोर्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज की ईमेल हो, फोन नंबर हो, उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब PDF के अलावा आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सटेंशन और क्या क्या फाइलें देख सकते हो। एक हो गई ENV, कॉन्फिग, ये मैं ऐसे ही लिख के बता रहा हूँ, आपको अलग अलग ही चेक करना है। TXT, zip, log, XLS, एक्स डॉक, और जो भी आपके दिमाग में आए, जैसे कि कॉन्फिग हो गया, ENV हो गया, और भी काफी सारी हो सकती है। अब
ये तो हो गई इनकी बात, और संग में संग में आपको कीवर्ड मैंने बता ही दिया क्या क्या यूज कर सकते हो, ईमेल, यूजर्स, फोन नंबर, इंटरनल ओनली, प्राइवेट, एम्प्लॉयज, इस तरीके से कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। देखो तो अधिकतर चीजें आपको पता है, ठीक है, तो वो बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब कुछ और भी चीजें, इनके अलावा भी कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है, जैसे कि स्प्रेडशीट फाइंड करनी होती है। ये हमारे पास एक कीवर्ड, यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ कि गूगल की स्प्रेडशीट का लिंक मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए। ट्राई करते हैं एप्पल पे, जैसे ये रहा डिस्कशन, ये जैसे एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, ये तो 404 है, कोई बात नहीं, और देखते हैं। ये एक है शायद, देखो तो मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये सिर्फ व्यू ओनली है, कुछ कुछ में यहाँ पे एडिटेबल सेट होता है, मतलब आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लो किसी का रिकॉर्ड आपने चेंज कर दिया, तो ये आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो, तो वो उसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर देंगे। ये हो गया स्प्रेडशीट फाइंड करने की चीज। अब एक होता है स्लैक चैनल, स्लैक चैनल, देखो हर कंपनी नहीं चाहती कि उसका जो स्लैक चैनल हो वो सबके लिए अवेलेबल हो, कुछ कुछ चाहती हैं कि वो इंटरनल ही रहे, लेकिन किसी ने अगर लिंक पब्लिक कर दिया है, फिर मिसकॉन्फिगर्ड है, वो पब्लिक ही है, तो एम्प्लॉयज वाले चैनल पर हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं, सही है। जैसे ये क्या चैनल का लिंक, हो सकता है ये पब्लिक हो, लेकिन काफी बार प्राइवेट भी होते हैं, तो आप एंटर कर सकते हो उनके चैनल पे, सही है। गूगल डॉकिंग में यही सब चीजें हैं कि आप अपनी फाइल्स वगैरह एनुमरेट कर सको, और तो और हाँ, काफी लोग यहाँ पे जैसे एनुमरेट करते हैं एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट भी आप एनुमरेट कर सकते हो, वल्नरेबल जैसे PHP एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए काफी काम आती है। जैसे पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे अपने तुम चीजें ट्राई कर सकते हो टीसी दी, तो ऐसे ही आप एंड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। अभी गूगल डॉकिंग हमने देख लिया, गिटहब से कैसे प्रोग्राम फाइंड करते हैं वो देख लिया, जोन ट्रांसफर देख लिया, अब हम मूव कर सकते हैं गिटहब डॉकिंग पे। देखो गिटहब डॉकिंग में सबसे जो मेन फिल्टर होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन वाला। जैसे मैं सिर्फ वही रेपो लिस्ट करना चाह रहा हूँ जो गूगल ने मतलब बनाई, मतलब गूगल उनकी ओनर है, जैसे गूगल में सर्च करा तो ये रेपो जो है वो गूगल की है, ठीक है। अब आप इसमें और क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो, मैं कुछ सेंसिटिव फाइल्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, जैसे पाथ, जिनका पाथ मतलब कैसी फाइल है, जैसे डॉट ई एन वी। अब देखो यहाँ पे ई एन वी इन्वायरमेंट वाली फाइल, इसमें क्या होता है कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको उसमें एडमिन का पासवर्ड, ईमेल, तो वो सब चीज़ें लीक हो जाती हैं कभी कभार, सही है। जैसे ये तो बहुत, जैसे गूगल तो बहुत बड़ी है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन गूगल लिख दिया, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं किसी की नहीं भी होती है ऐसी बिग रेपो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो कि पाथ डाल दिया आपने और यहाँ पे उसका लिंक दे दिया, या फिर डोमेन दे दिया, मान लो छोटी कंपनी है तो उसका जैसे डोमेन दे दिया, सही है, तो वो हमें ई एन वी मिल जाएगा, लेकिन रेपो किसी और की भी हो सकती है, मान लो किसी ने फोर्क करी हो उसकी भी हो सकती है रेपो, या फिर जो इस कंपनी से बिलोंग नहीं कर रहा है उसने भी बना दी हो, तो फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं वो उस कंपनी पे से बिलोंग कर रही हैं या फिर नहीं।
ये हो गया, हम ऑर्गेनाइजेशन वाला यूज करते हैं गूगल गूगल। आप एम्प्लॉयज की भी रेपो देख सकते हो, यूजर्स मतलब कौन कौन से काम कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे जैसे जो छोटे मोटे कीवर्ड हैं जैसे पासवर्ड, इन सबको तो आप देख ही सकते हो, लेकिन ये चीजें हमें बार बार याद नहीं रहेंगी। जैसे आपको यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड फाइंड करने हैं, मतलब चेक करने हैं, जैसे कि पासवर्ड, टोकन, एडमिन, डेटाबेस, माई एसक्यूएल, AWS, एक्सेस की, सीक्रेट की, कुकी, बियरर, टोकन, ये सब चीजें। लेकिन इसके लिए एक चीट शीट है गिटहब डॉकिंग की, वो आप देख सकते हो। ये तो गूगल डॉकिंग की आ गई, कोई बात नहीं, गूगल डॉकिंग की भी देख सकते हो, गिटहब डॉकिंग की भी दिखाते हो। और हाँ, गूगल डॉकिंग का एक टूल है, अगर जो लोग मतलब टूल से करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ, बिग बाउंटी रिकॉर्ड गिटहब। ये वो टूल है बिग बाउंटी रिकॉर्ड, इसमें आपको बस अपना डोमेन नेम देना है और जो जो जैसे आपको फाइंड करना है लॉग फाइल्स, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में ओपन हो जाएंगी चीजें। ये रहा टूल, और चलते हैं गिटहब डॉकिंग की चीट शीट। गिटहब डॉक चीट शीट ये रही, सही है। गिटहब टोकन, ये चीजें आप फाइंड कर सकते हो, DB यूजर, बहुत सारी चीजें। तो आप अपनी भी एक फाइल बना सकते हो जिसमें आप जो बहुत जल्दी जल्दी मतलब आप फाइंड करते हैं, जैसे API की वगैरह हो गया, उनको आप लिख सकते हो। इतने सबसे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि आप ये सब नहीं एक संग मैनुअल आप नहीं कर सकते। इसके लिए भी टूल है, वैसे मैं ज़्यादा यूज नहीं करता, ट्रफल है ये रहा। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल वगैरह कर लेना करना हो तो। यही थी चीजें कि आप टोकन वगैरह फाइंड कर सकते हो, क्लाइंट वगैरह, API की हो गया, जैसे मैं डालता हूँ API की। सही है, तो यहाँ पे आपको मिल सकती है। और जैसे मान लो आपको कोई वो API की मिल गई, तो उसे वेरीफाई करना पड़ेगा आपको की हैक्स। ठीक है, ये जैसे मान लो आपको मिल गई ब्रांच डॉट आईओ की और सीक्रेट की, ये रहा, तो आपको ये रिक्वेस्ट भेजनी, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये इसमें सारे तरीके दिए हैं, जिसकी भी आपको API की एक्सेस टोकन मिल जाए, यहाँ पे आके देख लेना की एक्स पे। एक और भी ऑनलाइन टूल है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ, शायद यही था, देखते हैं एक बार, वरना ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि की हैक से आप कर सकते हो, ये नहीं था। ठीक है, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। तो इस वाली वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो।